अलम यअमिन अल्लज़ीन आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। आप फरमा देने बच्ची कह लगी बाबा ओ वेला नहीं आया तुसी भी शराब छड़ के अल्लाह दे जिक्र वास्ते जग जाओ। मालिक बिन दिनार फरमा देने मैं बच्ची नु पुछया बेटी इत्थे की पई कर लगी मैं ते कुरान पढ़नी आऊं मुसलमान दे बच्चे इत्थे ही बस देने। मैं पूछया बेटी सप कौन है कहन लगी बाबा तुहाडे गुनाह ने इन्हें ताकतवर हो गए ने। पूछया बाबा कौन है बच्ची कहन लगी बाबा तुहाडियां नेकियां है नेकियां थोड़ियां कीतियां बाबा कमजोर है गुनाह ज्यादा कीते ताकतवर ने नेकियां गुनाहां तो बचा नहीं सकियां। मालिक बिन दिनार दी अख खुल गई उठ के अल्लाह दी बारगाह च सजदे च डिग पए रो के अर्ज कर देने या अल्लाह अज मैं पक्की तौबा करना वा अज तो बाद शराब नहीं पीवांगा मैं शराब नहीं पीवांगा। नौजवानों मैं किताबों च पढ़िया मालिक बिन दिनार ने ऐसी तौबा की है। ओ मालिक बिन दिनार जिन्हों हसन बसरी पानी टुरदा वे के बेहोश हो जाते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन सलातु सलामु अला काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمۃ للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
ग्रामी कदर हजरात आज शाबानुल मुअज्जम दा 14वां दिन और आने वाली रात 15वीं रात जिन्हों शबे बरात किया जाता है। इस्लाम के अंदर इस रात की बेशुमार सारी अहमियत है। अमाशा से लेकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमा दिया कि एक रात में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने बिस्तर तो गायब पाया। आप फरमा दिए कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने वास्ते निकली तो देखा तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी के अंदर कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ फरमा रहे। मेरी आहट सुन के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आयशा क्या तुम ये समझी कि मैं किसी होर बीवी की तरफ चला गया। अर्ज की या रसूल अल्लाह जी मेरा एक ख्याल है कि तुम किसी होर बीवी की तरफ चले गए हो। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयशा मैंने जिबरील ने आके दसे कि अज शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात है और इस रात को अल्लाह करीम बनू कलब दियां बकरियां जितने गुनागार दोजख तो आजाद कर देते। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह बनी कलब दियां बकरियां जितने ही क्यों। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चूंकि अरब के अंदर उस कबीले दी बकरियां बेशुमार ने और कबीला अपने बकरियां दी ज्यादती दी वजह तो मशहूर है कि उस कबीले च बकरियां बहुत ज्यादा ने। तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात को जन्नतुल बकी कब्रस्तान च मनाया और गुजारिया। गिरामी कदर हजरात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी कई सारी अहादीस मुबारक मुहद्दिसीन ने इस रात की फजीलत के मुतल्लक अपनी कुतुब के अंदर लिखिया और मैं किताबों में पढ़िया कि इस रात की फजीलत भी फजीलत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा को क़िबला बनाया तो वह रात भी शबे बरात सी और मंगल का दिन सी। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन काबा शरीफ को क़िबला बनाया तो मालूम हो गया कि रात बड़ी इस्लाम के अंदर अहम रात है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाशफतुल कुलूब के अंदर इस रात के होर भी बेशुमार नाम लिखे। इन तौबा की रात भी किया जाता है, मगफिरत की रात भी किया जाता है, इन लैलतुल बरका बरकत की रात भी किया जाता है। ग्रामी कदर हजरात कुरान मजीद फरकाने हमीदी आयत मुबारक में इसे ही जीवन के अंदर पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह करीम के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शबे बरात को अल्लाह करीम अपनी कुदरत कामिला के मुताबिक पहले आसमान से आके अल्लाह फरमाता है कोई मंगन वाला मनु अता कर देवा, है कोई रिज़्क मंगन वाला मनु रिज़्क देवा, को बख्शिश मंगन वाला मनु बख्शिश अता करा, आई कोई मेरे को औलाद मंगन वाला मनु औलाद अता करा। तो मालूम हो गया कि ये रात अल्लाह को मंगन दी रात है, ते ये रात अल्लाह दे अता करन दी रात है। ये रात अल्लाह करीम को अपने गुनाह की माफी तलब करके ते अपने रुसे हुए मालिक को मनावन दी रात। तो आज रात अल्लाह करीम ने अपनी खास रहमत इंसाना ते बरसानी है। तो आइए आज अल्लाह की रहमत का जिक्र करिए ताकि आज रात जी रहमत साढ़े ते बरसनिया ने सानू उन्हां दी अहमियत का पता लग जाए और असी उन्हां रहमतां नू हासिल करने वास्ते तैयारी कर लईए। कुरान मजीद फुरकाने हमीद अंदर अल्लाह करीम ने फरमा कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। फरमाया मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा दियो कि ए मेरे बंदो अल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम और जिन्होंने अपनी जाना तो जुल्म कर लिया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह अल्लाह दी रहमत मायूस ना होया जे।
इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह तकीद ना इरशाद फरमा के बेशक अल्लाह तुहाडे गुनाहों नु माफ कर देवेगा। क्यों फरमा? इस वास्ते के इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो गफूर भी है ते रहीम भी है, वो बख्शन वाला भी है ते रहम फरमान वाला भी है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने कुरान मजीद के अंदर एक आयत है, सब तो ज्यादा उम्मीद वाली आयत है, बेहतरीन आयत है, केड़ी? फरमा कुल कुल्लु यअमलु अला शाकिलतिही। आ फरमाते ने कि आयत कुरान की सब तो उम्मीद वाली आयत है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु तआला ने फरमाते ने कि हामीम तंजील किताब मिन अल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول। ये कुरान मजीद की सब तो उम्मीद वाली आयत है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने नबी इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। कुरान मजीद में सब तो उम्मीद वाली आयत मुबारक ये वाली है। हजरत मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा हैदर करार फरमाते ने कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। ए आयत सब तो ज्यादा उम्मीद वाली है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते ने वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा वयरज़ुकहु मिन हैथु ला यहतसिब। ए आयत मुबारक सब तो उम्मीद अफज़ा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा मैनु ए आयत जदों दी नाज़िल होई बड़ी पसंद है। सारी दुनिया एक पासे ते हुज़ूर ने फरमा ए एक आयत एक पासे पढ़िए आयत वही हूँ। उच्चा बोलो वक्त थोड़ा है, मैं गल्लां बथेरियां करनियां तुहाडे नाल। अज रहमत बरसनी है रात नूं खास रहमत, वरना उह ते रोज़ ही रहमत बरसांदा है, मगर अज खास रहमत ईमान वालियां ते बरसनियां ने। अज मेरा दिल करदा सी रहमत खुदावंदी दा जिक्र करिए। अल्लाह करे कि अज महरूम कोई ना रहे। अल्लाह अज साडे सारे ते अपनी खास रहमतां दा नज़ूल फरमा देवे। अल्लाह करीम ने रिजा फरमा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। मियां मुहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा जब फरमाया, आप इरशाद फरमाते ने, आप इरशाद फरमाते ने, जे दिल पर तैनू मुख ना लावे छाना उसदा छोड़ी ला तकना तू मिर रहमत वाली आस उम्मीद ना तोड़ी ला तकना तू रहमत वाली आस उम्मीद ना तोड़ी ला तकना तू मेरी रहमत वाली आस उम्मीद ना तोड़ी। कुरान मजीद च अल्लाह मैनू तुहानू एक कह रहा, बंदे मेरी रहमत तो मायूस ना होवी। ग्रामी कदर हजरात हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे करीबी साथी हजरत तौस यमानी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने कि मैं इमाम हसन पूछा कि तुसी शबे बरात किवें गुजार दे हो। आपने फरमाया मैं अपनी इस रात तीन हिस्से कर लेना। एक हिस्सा मैं नबी पाक दे दुरूद शरीफ पढ़ना, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। फरमाया रात का एक हिस्सा में सजदे यानी नफलों च गुजारना,
क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमा के सजदा कर ते मेरा कुर्ब पा, लिहाजा एक रात का हिस्सा मैं नवाफिल पढ़ना। अर्ज की थी हुजूर ते तीसरा हिस्सा की कर दे। आपने फरमाया कि हुजूर ने जड़िया इबादत की मैं वो इबादत ते दुआवा करना, क्योंकि अल्लाह इरशाद फरमाता फा अम्मा इल्कान मिनल मुकर्रबीन। अल्लाह फरमाता के इबादत कर करके मेरे करीब हो जा, मैं रब दे करीब हो जाना। ग्रामी कदर हजरात रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस रात को कब्रिस्तान में गुजारिया, एक रवायत के मुताबिक अपने घर में गुजारिया और इबादत की हालत गुजारिया। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि सल्लतु वसलाम एक दिन मस्जिद में तशरीफ फरमा रहे, सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक परिंदा आके दीवार पर बैठ गया, उसकी चोंच के अंदर एक छोटा जहा जर्रा मिट्टी दे, उस परिंदे ने चीख मारी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुस्कुराए क्यों? हजूर ने फरमाया परिंदा कह रहा है कि जिमें आ मेरे मुंह की मिट्टी दरियाए कुलजम के पानी नो गंदा नहीं ना कर सकती, इंजी इंसान के गुनाह भी खुदा की रहमत हो, खुदा की रहमत हो अल्लाह नो मबगूज नहीं कर सकते तुहाडे गुनाह। आपने फरमाया कि तेरे गुनाह इस चिड़िया के इस परिंदे के मुंह की मिट्टी नालों भी थोड़े ने, खुदा की रहमत समंदर नालों भी ज्यादा है। जिमें यह मिट्टी दरियाए कुलजम के पानी नो गंदा नहीं कर सकती, बंदा तेरे गुनाहों की खुदा की रहमत के सामने औकात भी की है, जे और रहमत करते आ जाए, मगर रहमत लैवन का कोई ढंग भी होना चाहिए ना, वो ढंग की है। अज शकल बनानी है, अज इंज का सूरत लैके रब की बारगाह च जाना कि उन्होंने तेरे ते तरस आ जाए, उन्होंने तेरे ते रहमत आ जाए। अल्लाह ने रिजा परमा कमली वाले मेरे बंदिया नु कह दे लफ्ज ते गौर करे, आज अल्लाह ने परमा कुलिया इबादी अल्लदीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने फरमा कमली वाले कह दे मेरे बंदियों, ऐ मेरे बंदियों, उन अल्लाह कुरान च जिथे भी बंदियों का जिक्र कर जाए, अल्लाह फरमांदा वा इबादुर रहमान अल्लदीन यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। अल्लाह ने जब बंदियां का जिक्र फरमाया, अल्लाह ने फरमाया ओ जड़े रहमान दे बंदे ने, ओ जड़े रहमान दे बंदे ने, अल्लाह ने फरमाया जड़े रहमान दे बंदे ने, जब भी अल्लाह फरमाया ओ मेरे बंदियो नबी इबादी कह दियो मेरे बंदियों जे नेक सिर उठा लेंदे ने, बली सिर झुक लेंदे ने, ते बलियां नूं ख्याल आउंदा अल्लाह दे बंदे असीं आ, नेकां नूं ख्याल आउंदा अल्लाह दे बंदे असीं आ। अल्लाह ने जद भी फरमाया ओ मेरे बंदियो, अल्लाह ने नेकां नूं मुखातिब कर लिया। नौजवानों जदों इस आए दीवारी आई, अल्लाह ने फरमाया कुलिया इबादी कमली वाले कह दे उन्होंने जेड़े अल्लाह दे बंदे ने, तेने कने सिर चुक ले गुनागार ने सिर झुका ले, असी ते बड़े गुनागार सानू ते अल्लाह ने नहीं पुकारिया, पर जदों अल्लाह ने फरमाया या इबादी अल्लदीन असरफू अला अनफुसिहिम, अल्लाह फरमा कमली वाले कह दे मेरे उन्हें बंदियों ने जिन्हें गुनाह किए ने, तेने कने सिर झुका ले
गुनाहगारां सिर चुक ले साडा रब पिया याद कर नेक समझ दे इस बारी तो गुनाहगार सिर चुके साडे रब ने सानू याद किया हज़रत मूसा कलीम ने एक दिन अर्ज की या अल्लाह जब तेनों को नेक पुकारे तो किवें जवाब देना है अल्लाह फरमावे उन्हें जवाब देना लब्बैक या अब्दी जी मेरे बंदे ते अर्ज की जब गुनाहगार पुकारे अल्लाह फरमा उन्हें मैं जवाब देना लब्बैक या अब्दी लब्बैक या अब्दी लब्बैक या अब्दी अर्ज की नेक नू एक बारी ते गुनाहगार नू तीन बारी अल्लाह फरमा नेक नू ते नेकियां ते मान है ते गुनाहगार नू ते मान ही मेरे ते वे उदा ते मान ही मैं वा मौला अली को लेके बंदा आके कहन लगा हुजूर अल्लाह गुनाहगार ते रहमत किवें करदा ते नेक ते वे किवें करदा मौला अली ने फरमाया दो बर्तन लेके आ एक गंदा एक साफ दो बर्तन लेके आए ते आपने फरमाया जदों बारिश होवे ते इनू जरा सेहने च रख देवी बारिश हुई तो उन्हें दोनों बर्तन रखे दोनों भर गए मौला अली फरमाते हैं जब बारिश ने गंदा मंदा नहीं वेख्या ते चंगा नहीं वेख्या ते ओदी रहमत भी कदू गंदा चंगा वेख दिए बारिश ने गंदा ते चंगा नहीं वेखिया ओ भी गंदे ते मंदे नहीं वेखदा ओ जदो रहमत बसावा ते आवे फिर सारे ते इको जी कर दे दे कैसा लफ्ज़ है अल्लाह फरमा कुल बोल मेरे महबूबा या अल्लाह की बोला फरमा या इबादी ओ मेरे बंदेओ या अल्लाह केड़े नेक अल्लाह फरमा नहीं नहीं अल्लाह दीन असरफू अला अनफुसहिम ओ जिन अपनिया जाना ते जुलम कर ले ते गुनाह कर ले या अल्लाह साडे लई की हुक्म है नेकां नूं अल्लाह कहंदा इबादत करो सजदे करो रोजे रखो हज करो ज़कातां देओ ते जदों आई ना गुनाहगारां दी वारी ते अल्लाह फरमा ला तकनतू मिन रहमत इल्ला मेरी रहमत तो मायूस ना होया जे ना मेरी रहमत तो मायूस होया जे गिरामी कदर हजरात कि ना प्यार नूं अपने गुनाहगार बंदे नाल औलाद चो जेड़ा बच्चा भैड़ा होवे ना सारे नफरत कर देने मां उहदे नाल बहुता प्यार करदी है ते तुसी सुभान अल्लाह कर जाके बोलिया जे थोड़ा होर औला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए कोशिश करिया करो सुभान अल्लाह यकीन करो मैं आजमा के वेख्या निकल जाती है लबां चो होर जोर ना बोलो सुभान अल्लाह गिरामी कदर हजरात मैं अज तुहानू रहमत दीआं गल्लां सिर्फ सुना रही हां माशर दा मैदान होवेगा अल्लाह करीम एक गुनाहगार दे वल्लों फरमान गए दीआं जरा नेकियां तोलो ना ते गुनाह तोलो नेकियां ते गुनाह जदों तोले जावणगे ना मिजान ते ते उहदे गुनाह ते नेकियां इन्नी तादाद विच होवणगीआं कि बस जन्नत विच जावण वास्ते ना एक नेकी घट जाएगी एक नेकी होर होवे ते जन्नती अल्लाह करीम ने फरमाया जे जा महशर दे मैदान च किसे को एक नेकी उधार मांग के ले आया उठुरिया टुरिया मां कोल जावेगा ते मां नूं जाके आखेगा अम्मी जी एक नेकी दी लोड़ एक नेकी अगर मेरी मिल जावे मैनूं ते मैं बस जन्नती हां गुनाह ते नेकियां बराबर हो गए ने बस एक नेकी वध मिल जाए ते गुनाहां नाल नेकियां दा पलड़ा भारी ते मैं जन्नती मां पुकार के आखे कि मैनूं अपनी पई होई है मैनूं अपनी पई होई है ओ दौड़ के अपने बाप कोल जाके आखेगा अबू जी मैनूं एक नेकी दे आ जाए एक नेकी मिल जाए मेरा कम बन जाएगा उदा बाप ही बोल के आखेगा मैनू अपनी पई हुई है दौड़ के अपने भाई दे कोल जावेगा उदा भाई भी नहीं मनेगा भैन कोल जावेगा वह भी नहीं मनेगी अपने यारां कोल जावेगा वह भी नहीं मनेगा अल्लाह दे कुरान ने यही नक्शा पेश फरमाया अल्लाह ने फरमाया मैं यफिरुल मरउ मिन अखी وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللہ میری جا فرمایا محشر دے میدان وچ
ना मां कमे आवेगी ना बाप कमे आवेगा यार यारा खुन दौड़ जाणगे अल्लाह खिल्ला यौमा इदिन बादहुम लिबादिन अदुव बड़े बड़े यार जिगरी दुश्मन बन जाणगे अल्लाह ने फरमाया कोई किसे दा नहीं बनेगा तू जवान पूरा माशर जमजान फिरेगा ओदा कोई रिश्तेदार कम नहीं आवेगा एक नेकी दी हसरत लेके ओ आप ही दोजख वाल टर पवेगा अचानक उन्हें एक बंदा मिलेगा आखेगा किथे चले आए ओ कहेगा मेरी एक नेकी घट गई है कदे एक नेकी मिल जावे मेरा पेड़ा पार हो जाएगा उसने लगा के आखेगा तेरी एक पे घट दी है मेरे कुल है ही को मेरी नेकी कोई है मेरा पेदे नाल बनना कुछ नहीं तू रख ले असी दोवें दो दख्त बचते नहीं सकते पर चलो एक दे जन्नत जा सकते तू मेरी एक नेकी ले जन्नत चला जाओ ओ नेकी लेके अल्लाह दी बारगाह च आवेगा ओदा वजन कीता जावेगा नेकियां दा पलड़ा भारी हो जाएगा अल्लाह फरमाएगा जन्नत च चला जाओ ओ जन्नत वाल टुरेगा अल्लाह फरमाएगा नेकी किदे कोलो लेके आया है अर्ज करेगा या अल्लाह दे कोल इक्को ही नेकी सी उहने मैनू भी दे दित्ती है अल्लाह फरमाएगा ओनू भी लेके आ ओ आवेगा अल्लाह फरमावेगा मेरे नालों बड़ा सखी कोई नहीं तू मेनू सखावता कर कर वखाना है अल्लाह फरमाया बड़िया वाला भी जन्नत च जावे एक वाला भी जन्नत च जावे मेनू सखावता कर कर वखा रहे हुण बोलो सुभान अल्लाह पता चलिया रहमत हक बहाना मी जोयत ओदी रहमत बहाने लभदी है कोई बहाना करे मैनू माफी दे देवा नबी पाक ने फरमाया अपने आप नु दोजख तो बचा लो भावे एक खजूर सदका करके बचा लो बच जाओ भावे एक खजूर का सदका दे के बच जाओ ओदी रहमत बहाने ढूंढदी है मेरा बंदा को बहाना ते करे रहमत हक बहाना में जो रहमत हक बहा ना में जो ओदी रहमत बहाने ढूंढ दिए बहा नहीं मांगदी यानी कीमत नहीं मांगदी बहाने मांगदी है अल्लाह फरमांदा तो बहाना ते कर कोई सजदे दा कोई अथरू दा कोई शर्मिंदगी दा कोई तौबा दा बहाना ते कर ओदी रहमत इंतजार कर रही कदों मेरा बंदा लौट के आ जाए मैं इन्हों माफ कर देवां ग्रामी कदर हजरात सुनावा परी दी गल रहमत कि बहाने लभदी क्यामत दा मैदान ते नबी पाक फरमांदे ने आखरी बंदा मैं जानना जेड़ा जन्नत च जाना है ते आखरी बंदा जानना जेड़ा दोजख चो निकलना है नबी पाक फरमांदे ने कि अल्लाह एक बंदे नूं आके कहदे तेरा अमल तौलो ना पहाड़ां जितने ओहदे अमल होणगे अल्लाह फरमांदे पहले ते छोटे छोटे गुनाह लियाओ अल्लाह फरमाया गया गुनाह तू कीता है अल्लाह फरमाया गया इकरा किताबक पढ़ जरा अपनी किताब आ किताब लिखी जा रही है ना दो फरिश्ते मोढ़ियां ते अल्लाह फरमाया गया इकरा किताबक पढ़ जरा अपनी किताब हुण जद छोटे छोटे गुनाह तोले जावणगे ना ओ दाएं बाएं वेखेगा शर्मिंदा होवेगा बच जावा पता नहीं वड्डे गुनाह ते जे बाकी ने ते की बन सी जद ओदे छोटे गुनाह तोले जाणगे ते अल्लाह फरमाएगा जिन्ने तोले ने ना सारियां नेकियां बना दियो ये सारे गुनाह नेकियां बना दियो निके निके ओ बोल के आखेगा जरा वड्डे भी विखाओ ना ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोल लिया जे आखेगा निकिया निकिया दिया नेकियां बना दियो जरा वड्डे वड्डे भी कीते सन भी बखाओ उन्हां दियां भी नेकियां बनाओ गिरामी कदर हजरात माशर दे मैदान च अल्लाह ने लोगों दियां सुलह भी करानियां ने अल्लाह ने माशर दे मैदान च ऐसियां रहमतां करनियां ने कि बुजुर्ग फरमांदे ने जिहड़ी कयामत नूं अल्लाह रहमत करनी है ना और रहमत वेख के शैतान नूं उम्मीद लग जानी है होरे अज मैं भी बख्शिया जावां
इनिया रहमत रब ने कयामत वाले दिन कर लिया के शैतान उम्मीद लग जानी हो रे आज मेरी भी बख्शिश हो जावे। गिरामी कदर हजरात हजरत अहमद बिन सुहेल बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने आप फरमाते ने जेड़े साडे भी उस्ताद सन हजरत यहया इब्ने कुसुम रजी अल्लाह तआला ने बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस सन फौत हो गए ख्वाब च मिले आप फरमाते ने मैं पूछा हुजूर की बनी आप फरमाते ने जदों मैनू अल्लाह दी बारगाह च मेरी रूह नू पेश कीता गया ना ते अल्लाह ने मैनू आख्या तू अभी करदा रहया अभी करदा रहया आप फरमाते ने या अल्लाह मैं तेरे बारे इंज ते नहीं सी सुनिया अल्लाह पर मैं गया तू की सुनिया सी हजरत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह दा भी जद विसाल होया ना ते आप नु किसे ख्वाब च वेख्या ते पुछया हुजूर की बनी फरमा जद अल्लाह दी बारगाह च मेरी रूह पेश होई ना ते अल्लाह ने फरमा बायजीद की लेके आया अमल केड़े लेके आया आप फरमाते ने मैं अर्ज की थी अल्लाह जब बादशाह को ले जाइए ते बादशाह ये नहीं पूछते कि लेके आए हैं बादशाह पूछते ने की लैन आए हैं की लैन आए हैं हजरते यहया रजी अल्लाह तआला अनहु बहुत बड़े मुहद्दिस हैं ना आप नु पूछया गया जब तुहाडी रूह अल्लाह दी बारगाह च पेश हुई ते की बनी अर्ज कर देने मैं सुनिया हजरत अब्दुल रज़ाक कहते मैं मुअम्मर को सुनिया मुअम्मर कहते मैं ज़ोहरी को सुनिया ज़ोहरी कहते मैं उरवा को सुनिया उरवा कहते ने मैं हजरत अम्मा आशा सिद्दीका को सुनिया अम्मा आशा सिद्दीका फरमा दी मैं हजूर को सुनिया ते हजूर फरमा दे मैं जिबरील को सुनिया ते जिबरील कहते मैं अल्लाह को सुनिया कि अल्लाह फरमाता जेड़ा कलमा पढ़दा पढ़दा वडेरा हो जाए ते इस्लाम ते कलमा पढ़दा ही मर जाए मैं उन्हों दोज़ख च नहीं भेजना आप फरमा दे जदों मैं ये गल अल्लाह के सामने की ना अल्लाह ने इरशाद फरमाया के मुअम्मर भी ठीक कहंदा है अब्दुल रज़ाक भी ठीक कहंदा है उरवा भी ठीक कहंदा है कहंदी आयशा भी ठीक है नबी पाक ने भी ठीक फरमाया जिबरील भी ठीक कहंदा ते मैं भी ठीक करना लिहाजा तू जन्नत च जा रहमत हक बहाना में जो ये रहमत बहाने ढूंढ दिए करते सही बहाना ग्रामी कदर हजरात उन्हों बड़े प्यारे लगते ने गुनागार जड़े गुनाह करके बारगाह च झुक जान क्योंकि एक शैतान गुनाह करके अकड़ गया आदम गुनाह करके झुक दे शैतान अकड़िया आदम झुक गए गल सुनावा फरीद दी तुस भी सुभान अल्लाह कहोगे तो सुनावागा होर उचा बोलो सुभान अल्लाह नौजवान जड़े बेले आदम नु बना के अल्लाह ने फरमाया सजदा करो सारे सजदा किया शैतान अकड़ गया अल्लाह ने फरमाया ज़ालिमा शैताना क्यों नहीं सजदा करता कहन लगा ना खैरुम मिनहुम अदनल चंगा वा अल्लाह ने फरमाया फखरुज फइन्नक रजीम फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ अल्लाह ने फरमा निकल जा मेरी बारगाह जो मर्दूदा कयामत तक तेरे ते लानत बरसदियां रहनगियां शैतान जेड़े वेले अल्लाह दी बारगाह जो निकले आओ ते बड़े गुस्से दे नाल उन्हें मुड़ के वेखिया कहन लगा लाको दलहू सिरातक मुस्तकीम लगा रबा वो जेड़ा रस्ता तेरे वाल सीधा रस्ता आंदा है ओ जेड़ा सिराते मुस्तकीम है ना सिराते मैं जाना है मैं तेरे बंदियां नू तेरे कोलों दूर ले जावांगा मैं तेरे बंदियां नू अगवा कर लवांगा मैं तेरी बारगाह झुकन भी नहीं देवांगा अल्लाह ने फरमा की करेगा कह लगा मैं ना ते सज्जे पासों भी हमला करांगा ना बदिया ते खब्बे पासों भी हमला करांगा मैं सामने भी करांगा मैं ना ते पीछे भी हमला करांगा मैं दाएं बाएं तो भी हमला करांगा आगे पीछे तो भी हमला करांगा जेड़े वेले शैतान ने ना कह के अल्लाह दी बारगाह च निकले आओ अल्लाह फरमा ज़ालिमा ठहर जाओ
आख्या मेरे बंदियां नूं सामने हो पिछू भी हमला करेगा के दाएं ते बाएं तू भी हमला करेगा। अल्लाह फरमाए तेनू दो साइडां भुल गईयां ने एक ऊपर वाली एक नीचे वाली फरमा चार साइडा तेरिया ने दो मेरिया ने हर पासे बंदे नूं तू गुमराह करेगा ओ गुमराह करेगा पर जदू हाथ चुकेगा माफी दे देवांगा जदू नीवा हो जाएगा माफी दे। फरमा चार साइडा तेरिया ते दो साडिया बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह परमा दो साइडा मेरिया एक ऊपर वाली ते एक नीचे वाली जदो हाथ ऊपर करके दुआ करेगा उदो भी माफ कर देवांगा जदो सिर नीवा करके सजदा करेगा उदो भी माफ कर देवांगा। अज इस तरह भी मंगना ते झुक के भी मंगना फिर वेख रहमत बस दी बस तेरे झुकन दी देर तेरे हाथ उठावा दी ते तौबा करन दी देर उधर ते रहमत जवाजा मार रही कोई आवे ते सही दरवाजे खुले नौजवानों एक होर बात मैं चादर बाया दी निचोड़ अर्ज करन लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात सारे बख्शे जांदे ने जेड़े तौबा करन मगर कुछ लोगों वास्ते इस रात भी सख्ती है। तवज्जो है ना उन्हें नबी पाक ने फरमा एक जरा शिरक करे माफी कोई नहीं जब तक कलिमा ना पढ़ लो। दूसरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा ताल्लुकात नु तोड़न वाला रिश्तेदारियां ना निभान वाला भाइयां नाल बहनां नाल मां बाप रिश्तेदार अंग साखा नाल आंढ गवांढ वाले नाल ताल्लुक तोड़न वाला इस रात नहीं बख्शा जाएगा जब तक ताल्लुक जोड़ ना लवे। लिहाजा इस वास्ते साढ़े बुजुर्ग लोग शबे बरात तो पहले पहले लोगों को माफी मांग लेंदे सन ते मिलके कहना यार शब रात आ गई पता नहीं की बनना माफ कर दे। आज रात अगर तुसी भी चाहते हो कि बख्शिश हो जाए माफी मिल जाए तो रहमत के हकदार बन जाइए तो देखो अपने कुर बेच किसी को नाराज तो नहीं किया किसी का हक तो नहीं मारिया कोई नाराज तो नहीं किसी ना ताल्लुक तो नहीं तोड़ी बैठे। अज सूरज दे गरूब होने तो पहले पहले उन्होंने मना लिया जे माफी मंगे जे ताकि रहमत लैवे में आसानी हो जाए। तीसरा नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया तकबुर करने वाला गुरूर करने वाला इस रात माफी नहीं मिलनी जब तक वो तौबा ना कर लवे तो पक्की तौबा ना करे। और चौथा फरमाया कि वालदैन दा नाफरमान मां बाप दे बेअदब ते गुस्ताख नु इस रात भी माफी नहीं। एक हदीस फरमा के शराब पीने वाला शराब दा आदि आदतन शराब पीने वाला इस रात नहीं बख्शा जाएगा जब तक पक्की तौबा ना कर लवे हमेशा वास्ते। एक रवाज फरमाया कि जिना ते इसरार करने वाला जानी नहीं बख्शा जाएगा जब तक पक्की तौबा ना करे। एक रवाज में पढ़िया कि तस्वीर बनाने वाला जानदार दी तस्वीर बनाना और एक रवाज के अंदर मैं पढ़िया कि चुगलखोर चुगली ते गीबत करने वाला इस रात नहीं बख्शा जाएगा जब तक पक्की तौबा ना करे। तो आज कोशिश करो कि असर तो मगरिब के दरमियान अगर इन इल्लतां दे विच कोई इल्लत मौजूद है तो उदी माफी भी मांग लो मखलूक खुदा नूं भी राजी कर लो ताकि रात में जब इबादत करो तो हाड़ा ते मेरा नाम उन्हां लोगों च शामिल हो जाए जिहड़े इस रात बख्शे जावणगे। मगरिब तो बाद हाँ जिहड़े मैसेज दे उत्ते तौबा कर रहे थे मैसेज उत्ते माफी मांग रहे कबूल है
अगर कोशिश करो। सूफिया ने ते इत्थे तक फरमाया फरमाया जेड़े जिस्म दे उज़्ब नाल गुनाह कीता ना तौबा भी उहदे नाल कर समझो। अगर जुबान नाल किसे नूं दुख दिता है ते जुबान नाल माफी मांग। अगर हाथ नाल किसे नूं गुनाह करके नाराज की बैठा है उहदे कोल जाके हाथ मिला के उहदे नाल हाथ नाल को नेकी करके ते उहदे कोल माफी मांग। अगर अख का गुनाह किया है ते अज ओदी बारगाह विच अख दे उच्चों अथरू बहा के फिर माफी मांग। यानी जेड़े उज़्ब दे नाल गुनाह किया है तौबा भी उस उज़्ब दे नाल कर। सिर्फ लिख के मैसेज करना माफी नहीं। हाँ अगर तेनू लगता है कि मैनू इंज माफी मिल जानी है कोशिश करके वेख लो। मगर अज कोशिश करो कि जाके मुलाकात करके माफी मांगो। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों मैसेज करना दिल विच माफी दी उम्मीद ना रखना या इस नीयत ना ना करना कि मैं माफी मांग रहा आदतन कर देना ये कबूल नहीं। जब तक दिल की नीयत ना हो कि मैं दिलों माफी पे मांगना। आइए हाजरी ने बहुत इस रात रहमत होनी है तो लैन वास्ते बहाने कि मैं दे करने ने पता कि मैं बख्शदा फिर जब रहमत बहाना मिल जाए। हजरत फुजैल बिन याद बहुत बड़े वली गुजरे मगर वली बनने तो पहले आप बड़े बड़े बहुत बड़े डाकू सन। इतने बड़े डाकू के ऐलान कर देते सन शाम तो पहले कि आज मैं फुलां घर च डाका मारन वास्ते जाना है जेड़ा रोक सकता रोक लवे। लोग काफिले वाले रस्ते च कहते सन कि उस तरफ ना जाया जे फुजैल लुट लवेगा। नौजवानों फुजैल बिन अयाज की शोहरत डाकिया के अंदर एक रात फुजैल बिन अयाज एक घर के अंदर चोरी करने वास्ते जा रहे। उस घर की दीवार उसे चढ़े अंदर कोई कुरान की तिलावत पिया कर दे। तिलावत करने वाले ने कुरान की आयत की तिलावत की थी उन्हें पढ़े आलम या उन्हें लदीन आमनो अल्लाह तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। उन्हें पढ़िया क्या ईमान वाले वास्ते ओ वेला नहीं आया उन्होंने दिल अल्लाह की बारगाह झुक जान। हजरत फुजैल बिन अय्याज दीवार ते बैठ के रोन लग पे। दिल की दुनिया बदल गई नाले रोई जाते नाले पुकार के परमा देने वेला आ गया है ओ वेला आ गया है ईमान वाले दे दिल अल्लाह की बारगाह च झुकन दा वेला आ गया है। उस वेले दीवार दी उतरे नौजवान जाके पक्की तौबा की थी। पक्की तौबा करके अल्लाह अल्लाह करनी शुरू कर दी थी। फिर बलाए तिज ओ मुकाम पाया के इमाम हसन बसरी फरमा देने मैं फुजैल नु पानी ते टुरदा वेखिया। बड़िया बड़िया दे कुल तौबा करवा दी। अलम यानिन लदीन आमनु अन तख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों ते वेला नहीं आया कि उन्हां दे दिल अल्लाह दे जिक्र वास्ते झुक जान खशियत इलाही दे नाल। हजरत मालिक बिन दिनार वली बनन तो पहले बड़ी शराब पींदे सन। आप फरमांदे ने कि मैं एक लौंडी खरीदी ते मैं उहदे नाल इतना प्यार कि अल्लाह ताला ने मैनूं उहदे च इक बच्ची अता कीती। बच्ची बड़ी प्यारी। मालिक बिन दिनार कहते ने मैं अपनी बेटी नूं बड़े नाज़ा नाल पाल रहा ते बड़े शफकत ते मुहब्बत मैनूं उस बच्ची दे बगैर मेरा गुजारा ही नहीं। औलाद सी। आप फरमाते ने कि दो साल की बच्ची हुई ते फौत हो गई। मालिक बिन दिनार दिने भी रोना ते रात भी रोना ते शराब दे नशे च धुत रहना ते एक दिन बाग च बैठ के शराब पी रहे ते बेहोश हो गए। बेहोशी की हालत च आपने देखा ख्वाब के अंदर कयामत का मंजर है। एक बहुत बड़ा इजदहा बहुत बड़ा सप आप दे पिछे लगे थे। मालिक बिन दिनार फरमाते ने मैं अगे अगे दौड़ता जा रहा चीखा मार रहा। अगे के बाबा जी नजरी आए बड़े कमजोर सारे। मैं रो के आख्या बाबा जी मैंने सप को बचाओ।
ते बाबा जी कह लगे कि मैं बड़ा कमजोर हाँ, वह बड़ा ताकतवर है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ ओ पहाड़ी वाल जा, मुमकिन उत्थे तेनों को मिल जाए जिहड़ा तेनों बचा लवे। मालक बिन दिनार कहते हैं उस पहाड़ी से चढ़िया तो अगू दोजख की अग नजरी आवे, पिछे सप ते अगे अग। अचानक एक फरिश्ता बोल के कह लगा दूसरी पहाड़ी वाल जा, उसे मुसलमाना दी कुछ अमानत ने हो रहे, तेरी भी एक अमानत हो तेनों बचा लवे। मालक बिन दिनार कहते हैं जे मिल मैं उस पहाड़ी वाल गया, उत्थे बड़े प्यारे प्यारे महल बने ने, खिड़कियां खुलिया ने, उन्हें खिड़कियां दे विचो निके निके बच्चे पे जाख देने, मैं देखिया एक खिड़की च मेरी बेटी भी है, मैनू आवाजा मार दी है बूजी आ जाओ अबू जी आ जाओ। फरमाते ने मैं करीब गया, बच्ची जाके मेरी गोदी च बह गई, ते बच्ची गोदी च बह के उन्हें खुराऊ दी आए ते पड़ी अलमिया उन्हें लदी ना मनो अल्लाह तख्शा खुलूम हम लिज़िक्रिल्लाह। आप फरमा देने बच्ची कह लगी बाबा वो वेला नहीं आया, तुसी भी शराब छड़ के अल्लाह दे जिक्र वास्ते जग जाओ। मालिक बिन दिनार फरमा देने मैं बच्ची नू पुछिया बेटी इत्थे की पी कर, कह लगी मैं इत्थे कुरान पढ़नी आ, मुसलमाना दे बच्चे इत्थे ही बस देने। मैं पूछा बेटी सप कौन है, कह लगी बाबा तुहाडे गुनाह ने इन्हे ताकतवर हो गए ने। पूछा बाबा कौन है, बच्ची कह लगी बाबा तुहाडियां नेकियां है, नेकियां थोड़ियां कीतियां बाबा कमजोर है, गुनाह ज्यादा कीते ताकतवर ने, नेकियां गुनाहां तो बचा नहीं सकियां। मालिक बिन दिनार दी अख खुल गई, उठ के अल्लाह दी बारगाह च सजदे च डिग पए ते रो के अर्ज कर देने या अल्लाह अज मैं पक्की तौबा करना वा, अज तू बाद शराब नहीं पीवांगा, मैं शराब नहीं पीवांगा। नौजवानों मैं किताबों च पढ़िया मालिक बिन दिनार ने ऐसी तौबा की है, ओ मालिक बिन दिनार जिन्हों हसन बसरी पानी तो टुरदा वे के बेहोश हो जाते हैं। किदी किदी गल अर्ज करा, हजरत हबीब अजमी सूद का कारोबार करते सन, सूद खाते सन, कर्जा दे के सूद लेना माजल्ला। एक दिन घर आए थे बीवी कह लगे कुछ खाना, बीवी कह लगी घर में खावा भी तो कुछ नहीं। अच्छा मैं किसे कुल जाना कर्ज खादे कुल जाके ना तो कुल मैं सूद से पैसे लेके आना। गए एक मकरूज कुल कह लगे के सूद दे पैसे, उन्हें आख्या मेरे घर थोड़ा जो गोश्त है वो ले जाओ। सूद दे गोश्त लेके आए, दूसरे मकरूज को गए थे उन्होंने जाके कह लगे पैसे, उन्हें आख्या मेरे को लकड़ियां हैं उद को लकड़ियां लेके आ गए, किस को नमक किस को मसाला किस को सब्जी लेके कट्ठे करके बेगम नु लिया के दी। उन्हें अल्लाह की बड़ी नेक बंदी सी, जो सालन से मना दिता मगर मना करना रोज, जो खाना खान लगे तो सारा सालन खून बन गया, खून बन गया, खून वेख के ना सालन बनता तो दिल च ख्याल आया ए मैं कोई चंगा काम तो नहीं करता, होवे ना तो तौबा ना करके आवां। उठे ख्याल आया जे मैं आप तौबा करन गया तो खोरे ना मने तो होवे ना तो किसी खास बंदे को तौबा ना करवावां। हजरत इमाम हसन बसरी जी बार गवल टुरे ते राह विच छोटे छोटे बच्चे पे खेड़ दे, एक बच्चा बोल के कहन लगा बच्चियो पीछे हट जाओ, हबीब अजमी आ रहा है ये बड़ा गुनाहगार है, एदे पैरां दी धूड़ किधरे साडे ते पै गई ते किधरे असी भी गुनाहगार ना हो जाइए। हबीब अजमी शर्म दे मारे मुंह छुपा के गुजर गए कि बच्चे बच्चे नु पता मैं एडा गुनाहगार हां कि बच्चे मेरे पैरां दी धूड़ कोलों भी बचदे ने। नौजवानों जड़े वेले इमाम हसन बसरी दी बारगाह दे अंदर आए, तौबा करके जड़े वेले वापस टुरन लगे, ओही बच्चे राह च पे खेड़ देना है। वो बच्चा ही बोल के कहन लगा बच्चे ओ हट जाओ, हबीब अजमी तौबा करके पे आंदा जे साडी धूड़ ओदे ते पै गई, किधरे गुनाहगार ही ना।
ਉਹਦੇ ਪੈ ਗਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਧੂੜ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਹਬੀਬ ਅਜਮੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ 30 ਸਾਲ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਲੌਂਡੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਏ ਸਨ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌਂਡੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਮਹੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਰਵੇ ਕੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਅਮਲਾ ਵਾਲੀ ਦਾਗ ਨ ਲਾਈ ਜਨਿਆ ਮੁੜ ਆਖੇਗਾ ਰੋਜ਼ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਰੱਬਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਨੌਜਵਾਨੋ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਸ਼ਰ ਹਾਫੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹੈਨ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਰ ਇਮਾਨ ਦੀ ਰੱਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆਰੋ ਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪੜਿਆ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੱਲਾਂ ਦੇਣੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੀਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਰਿਆ ਕਰ ਤੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤ ਲੇਟ ਗਏ ਨੌ ਜਵਾਨੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਸ਼ਰਹਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬਲੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਆਖਿਆ ਰਾਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਖਾਬ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਲਾ ਤਕਨਾ ਤੂ ਮਿਨ ਰਹਿਮਤਿਲਾ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੋਲਨ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਰਾਸੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਸਰੰਗੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨਾਜ਼ ਤੇ ਨਖਰੇ ਉਠਾਣੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਝੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਪਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਮਰ ਢਲਦੀ ਗਈ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੁਰ ਗਏ ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੰਗੀ ਪਕੜੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਿਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ
ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੱਲੇ ਵੇ ਬੱਲੇ 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 ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अल्लाह दी बारगाह च तौबा करके सरंगी तोड़ के बैठा आया है नल रो रो के अरदा पया करदा है मैं तेरे कोलो माफी मांगना तेरे गुनाहों ते परदे पा अज मैनु अपना बना ले कोई मेरा नहीं पिया बनदा ओ जवानो हजरत उमर ने फड़ के बाबे नु सीने नाल लाया फरमाया बाबा रो ना की होया जे दुनिया वाले तेरिया नहीं पे सुन दे अर्शां वाला तेरिया गौर नाल पिया सुनदा हड्डियां खड़कन भई हड्डियां कंबन ते गोडे खड़कन ते उड़ गया लग तेरा अजे भी बदियों बाज नयावे बावे मर्द दलेरा बाल चिट्टे हो गए गोडे खड़कन लग पे हड्डियां कप कप आ रही अजे भी बदियों बाज नाम है वाह ओए मर्द दलेरा एडा दलेर हो गया मियां साहब फरमांदे ने तू गुनामा ते तेनु खुदा दा खौफ ही नहीं झुक जा माफी मांग ले जद वाल चिट्टे हो जा ना फिर समझिया करो सिग्नल डाउन हो गया है ते कयामत दी गड्डी आने वाली है मौत दी गड्डी आने वाली है सिग्नल समझो डाउन हो गया है इमाम गजाली फरमाते ने 40 साल उम्र हो जाए अपने गुनाह ते नेकियां दा शुमार करके वेख ले जे तेरे गुनाह तेरियां नेकियां तो बहुते ने ते दोजख दी तैयारी करके रख क्योंकि जे 40 साल च भी तू नहीं समझया इस तो अगे तेरे समझण दी उम्मीद थोड़ी रह गई 40 साल दी उम्र दे बाद एहतियात ज्यादा करनी शुरू कर दे सिग्नल डाउन हो गया है ग्रामी कदर हजरात आज शबे बरात है आज भी रात नु महफिल है भाई मेरे गांव दे अंदर रायपुर इंशाल्लाह लजीज आज आओगे ना तुसी रात नु मेरा ख्याल है जिन्ने बोले ने इन्ने कोई आउणगे है ना मेरे मोहल्ले दे अंदर जिथों मैं अपनी बिल्कुल आगाज कीता तकरीरां दा और अपनी खिताबत दा मेरे मोहल्ले दी जिहड़ी जामे मस्जिद अलहम्दुलिल्लाह मैं कई साल तो शबे बरात अलहम्दुलिल्लाह अपनी उसे ही मस्जिद अंदर गुजारना मैं पाकिस्तान के किसी खिते च भी होवां एक दिन मैं मखसूस रखे बरसा वाली मैं करना कर लेने ना बेटा एक दिन मखसूस ना रखे ना भाई कि मैं शबे बरात अपने मोहल्ले की मस्जिद च अलहम्दुलिल्लाह उत्थे गुजारना आपा बाबी अज जरूर शिरकत करे अज और दूसरा अहम ऐलान साढ़े जाहिद उस्मान बट साहब की जी सालाना माफल बल्लोचक सहवाला के करीब सालाना अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लोचक नज़द साहोवाला इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2 अप्रैल बरोज़ हफ्ता बाद नमाज़े इशा बल्लोचक के अंदर होगी जिस के अंदर इंशाअल्लाह मैं भी हाजिर होवांगा और साढ़े मुल्क पाकिस्तान के अजीम खुतबा अजीम सनाखान खसूसन जनाबे हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद सुलेमान मिसबाही साहेब और हजरत अलामा मखदूम जाफर हुसैन कुरैशी साहेब आप ही खिताब फरमान के आखिर ते इंशाल्लाह मैं भी अपनी मारूदात पेश करांगा अजीम शान महफिल मिलाद का इनकाद होगा 2 अप्रैल बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बल्लोचक के अंदर शिरकत फरमाओगे ना भाई हुन परीद दी एक गल सुनावा एक होर ऐलान है जामे मस्जिद अनवालुल कुरान में उगो की माशाल्लाह आज बाद नमाज इशा 18 मार्च अल्लामा रमजान अजहर नक्शबंदी साहिब अल्लामा तनवीर फारूकी साहब का खिताब होगा तमाम अहबाब शिरकत कीजिएगा।
हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं मैं एक रात सफर के दौरान एक मस्जिद च गया। उस मस्जिद में जब इशा की नमाज पढ़ी तो मेरा ख्याल से मैं रात मस्जिद च रुक जावां, पर वो जिहड़ा मस्जिद का खादिम सी ना मैनूं कहण लगा बाबा जी उठो तो चलो बाहर मैं मस्जिद नूं ताला लगाना। आप फरमाते ने मैंने आख्या यार मैं मुसाफिर मैं रात गुजारना चाहना। उन्हें आख्या ना जी ना मैं जिद की मैं लेट गया। आप फरमाते ने मेरे पैरों तो पकड़ के ना मैं घसीट के बाहर गली च जाके सटिया ते ताला लगा दिता। आप फरमाते ने मैं मस्जिद के दरवाजे च बैठ गया कि रात किवें गुजारा। एक बंदा करीब तो गुजरिया खुदा तरस बंदा सी मैनूं कहण लगा मुसाफिर लगना है ते जे रात गुजारनी है ते मेरे घर आ जा। आप परमात्मा घर चला गया। आप परमात्मा मैं जाके वेख्या टुरदा भी पर्दा अस्तगफिरुल्लाह बैठदा ते कहंदा अस्तगफिरुल्लाह खांदा भी कहंदा अस्तगफिरुल्लाह पींदा भी कहंदा अस्तगफिरुल्लाह लेटदा फिर कहंदा अस्तगफिरुल्लाह। फरमांदे ने मैं सारी रात न वेखिया अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़दा। फरमांदे ने जेड़े वेले अगला दिन आया हर सौ नाल अस्तगफिरुल्लाह पढ़दा। आ फरमांदे ने मैं पुछया बाबा जी हर लब सौ नाल अस्तगफिरुल्लाह पढ़दे हो एदा कोई फायदा भी होया है? कहन लगा जी बड़े पैदे हुए ने जो जिंदगी च मंगया सारा कुछ ही मिल गया है बस एक चीज नहीं मिली। फरमाया बाबा ओ केड़ी है? कहन लगा जिंदगी दी इको ही तमन्ना रह गई है इमामे अहमद बिन हंबल दी ज़ियारत करनी है। आपने पढ़ के जफ्फा मार लिया। फरमाया मैं ही अहमद बिन हंबल फरमा तू कहना तेरी गल पूरी नहीं हुई। फरमाया तेरी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने दा कमाल है मैनू लत्तां तू फड़ के घसीट के तेरे बूबे सुते आ गया शबे बरात की तैयारी करवा रहा। शेर मैं बड़े पढ़ने सन पर चुके वक्त थोड़ा ते गल्लां भी बेशुमार अजे रह गई मगर फिर सही इंशाल्लाह रात नूं भी अर्ज करांगे। हजरत बहलोल का नाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैं बगदाद की गली च गुजरिया ते बच्चे अखरोट पे खेलते जिवें बच्चे बंटे खेलते ने अखरोट भी खेलते उस दौर च बच्चे अखरोट खेलते। आप फरमाते ने बच्चे खेल रहे थे मैं करीब तो गुजरिया एक छोटा जहा बच्चा बिल्कुल छोटा जहा सात अठ साल का कुल खलो के रो रहा। मैनू ख्याल आया किसी गरीब का बच्चा तेरे को अखरोट नहीं। करीब जाके फरमाते ने बेटा रो ना आ मैं तेन अखरोट लै दे तू भी खेल। बच्चा बड़ा प्यारा सी वेख के कहंदा बाबा जी असी दुनिया ते को खेडन आया को खेडन आया। आ फरमाते ने बच्चे ने ऐसा जवाब दिता कि मैं बच्चे दे करीब बैठ गया। मैं क्या बच्चे की करन आया? ते बच्चा कुरान पढ़ दे ते पढ़ के कहन लगा अफ हसिब तुम अन्ना मा खलकनाकुम अबसा असी को दुनिया ते अबस आया फजूल कमा ले आया। आपने फरमाया बेटा की करन आया? कहंदा सी अल्लाह दी मारफत लैन आया कुर्बे खुदाबंदी लैन आया डरो रब को। आप बच्चे नु नेड़े करके फरमान लगे बच्चे मैनू को नसीहत कर। बहलोल दा नाम कहंदे ने बच्चा कहन लगा अल्लाह को डरिया कर तौबा करिया नाले बच्चा रो रो के अरबी दे शेर पढ़दा। आ परमाते ने बच्चे नु करीब कर लिया ते रो के परमाते ने किथों एडे दर्द ले आनी किथों एडे आए दर्द ले आनी ओ दर्दा वालिया यारा दस दुकान अच्छा दे ते बनी दलाल हमारा। आप फरमाते ने बच्चा रोई जाता है ते अरबी दे शेर पढ़ता है। मैं आख्या बच्चे इन्हें दर्द कितों लेनी? कह
कहन लगा बाबा जी सानू दोजख दी अग तू बड़ा डरना चाहिए क्योंकि कारी साहब ने आयत पढ़ाई है अल्लाह कहता फत्तकुन नार अल्लती वकूदुह अन्नास वल हिजारा अल्लाह फरमाता डरो सो अग कोलो जिदा बालन लकड़ियां दी जगह इंसान बनन गए लकड़ियां दी जगह पत्थर बनन गए आप फरमाते माखिया बचे आओ ये दर्दा वाले सौदे कितों लैने बचे तू ते निका है डरना क्यों है अल्लाह ने निकिया नो ते नहीं सारना ये बच्चा कहन लगा पापा जी मैं सवेरे से तो नाश्ता करना वा मैं देखना मेरी अम्मी चूल्हे ते लकड़ियां लगा दी है मां बड़िया बड़िया लकड़ियां लगा दी है उन्हां नो अग नहीं लगती मां पहले छोटियां छोटियां लकड़ियां अग लगा दी है फिर छोटियां कोलो बड़ियां नु लगती है मैं रोना वा जद कियामत दिहाड़ा आओ अबू जहल अबू लहब फिर नमरूद वर्गे बड़े बड़े काफिरां नु जी अग ना लगी अल्लाह मेरे जिया निकिया निकिया नु अग ना कर देवे हजरत बहलोल दा नाल की खमार के बेहोश हो गए उठे ते वेख्या बच्चा नजरी ना आया वे बच्चा ना रो के कहने लोको ओ बच्चों बच्चा कौन है लोग आख्या तेनू नहीं पता फरमाया मैनू नहीं पता बच्चा कौन है बच्चे कहन लगे इमाम हुसैन दी औलाद बलो दना चीख मार के रोए फरमान लगे मैनू पहले ही पता सी किसे जंगे दरखा दा फल लगदा रहमत मंगन दी रात लिहाजा इस रात नु जाया ना करे जे पता नहीं मुड़ आवे के ना आवे बस अज जिंदगी दी आखरी रात समझ के गुजारिया जे अज अपने रुसे हुए मालिक नु चेंज मन दा उंज मना के उठिया जे अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाजरी कबूल फरमाए आमीन वाखिर दवाइया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।